बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगामेडी के दोस्त अजीत सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। अजीत सिंह वही शख्स हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, गोगामेडी के वो मित्र हैं। सुखदेव गोगामेडी के दोस्त अजीत सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में वो भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर हैं। वारदात के वक्त सुखदेव सिंह के साथ वो कमरे में मौजूद थे, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अजीत सिंह दरअसल वो शख्स हैं जो उस वक्त जब ये दो हमलावर आते हैं, फायरिंग करते हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उनको भी कई राउंड गोलियां लगती हैं जिसके कारण वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर हैं। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं हम। भवानी, अजीत सिंह भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़े यही सहयोगी थे। आप देख सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जब गोलियां मारी थी, फिर शूटर ने सीधे इनको, जो खड़े हुए सामने नीली पैंट और नीली जींस के अंदर, इनको गोलियां मारी थी। 6 से 7 गोली लगी है और अभी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। उनके साथ में जो लगे हुए थे वहाँ पर, ये उनके साथ वाले हैं। आप बताएं कि क्या स्थिति क्या अभी है? जी सिंह जी, उनकी स्थिति यह है कि उनको 6-7 गोली लगी है और उनको एक बुलेट जो है उनके C6 में लगी है, तो उससे उनके नीचे वाली बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड होने की कंडीशन में, उनके पैर अभी भी काम नहीं कर रहे अभी नहीं। और किसी ने पूछा उनको अभी तक? आए बहुत सारे लोग आए, मिले, फोटो वोटो खिंचा के गए, बट अभी तक कुछ भी उनका कुछ मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है अभी तक। तो आज सुबह से पहले लोगों को ये भी नहीं पता था। हाँ जी, क्या अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है, अजीत सिंह राजावत जी है जो अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं, SMS हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं। उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पैरालाइज हो चुका है 99%। उनके पिताजी कैंसर पीड़ित हैं और वो अकेले अर्निंग मेंबर थे घर के अंदर। उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है, सब मांगे रह गई कि गोगामेडी जी के लिए हमारी खुद की संवेदनाएं हैं, लेकिन जो साथ में घायल हुए हैं उनकी बात भी कहीं की जाए। मैं अपने समाज के जो भामाशाह हैं, समाज के लोग, वो गोगामेडी जी के क्या दोस्त थे? वो गोगामेडी जी अजीत मित्र थे, वो उनको गोगामेडी जी ने फोन करके वहीं बुलाया था अपने घर पे। पास में दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ अजीत सिंह की वो तस्वीर जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में, और दूसरी तस्वीर वो वीडियो जब वो उस वक्त मौजूद थे। वो जो नीली पैंट में अपने शख्स देखे, वो अजीत सिंह ही है।